अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़नी है 3.4। इंटीग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 3.4। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें आपने सबसे पहले जो है ना वो ये देखना है कि दो फंक्शंस होंगे, दो पार्ट्स होंगे, उसमें जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये कोई दो फंक्शंस आपको दिए गए हैं, इसे आपने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है और सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है। तो फर्स्ट फंक्शन आप रखेंगे, पहली प्रेफरेंस है वो लॉग फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन आ जाए तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा। ये दोनों इकट्ठे आ नहीं सकते, लिहाजा इन दोनों में से कोई भी फंक्शन अगर है तो उसे हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अगर ये लॉग ऑफ फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हो, ये दोनों फंक्शन हो, इनके साथ कोई फंक्शन ना हो तो इनका सेकंड फंक्शन सिंगल फंक्शन हो, वन। कोई भी लॉग फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है उसके साथ अगर कोई फंक्शन नहीं है तो उसका सेकंड फंक्शन वन होगा, अदरवाइज कोई भी फंक्शन होगा इनके साथ तो वो सेकंड फंक्शन के तौर पर लिया जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि ऐसा फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे जिस पे पावर रूल अप्लाई हो रहा हो। इसके अलावा कोई भी दो फंक्शन आ जाए इनमें से जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन रख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होंगे, उसमें से सबसे पहले जो सिलेक्ट करना है फर्स्ट फंक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, तो लॉग फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ये इकट्ठे आ नहीं सकते, इनमें से कोई भी अगर है तो उसे फर्स्ट फंक्शन रखे और दूसरा फंक्शन सेकंड फंक्शन रखे, और इन दोनों के साथ अगर कोई फंक्शन नहीं है तो तब भी इनका सेकंड फंक्शन वन होगा। अगर इन दोनों में से कोई फंक्शन मौजूद नहीं है क्वेश्चन में तो फिर आप देखेंगे जिस पे पावर रूल अप्लाई हो रहा होगा, इंटीग्रेशन की पावर प्लस वन ओवर पावर प्लस वन वाला रूल, तो उस फंक्शन को आपने एज ए फर्स्ट फंक्शन रखना है। अगर इन तीनों में से कोई आपको साइन नजर ना आए तो आप कोई भी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन रख सकते हैं। तो दो फंक्शन हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आप एज इट रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की आप इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन, यानी कि जो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होने के बाद जो इसका आंसर आएगा, यू भी कह सकते हैं, इसे इंटीग्रेटेड फंक्शन कहते हैं। इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपने वैसे ही रखना है, सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी है, माइनस जो सेकंड की इंटीग्रेशन आएगी, यानी इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो है ना वो फार्मूला है। तो इस 3.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमारे लिए हमें दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, फॉर्मूला एक बार मैं फिर लिख देता हूं कि कोई से दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स
जी ऑफ एक्स ये दो फंक्शन है, इनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। फर्स्ट फंक्शन वैसे रखें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन, ये जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन को मैंने नाम दिया है जी डैश ऑफ एक्स, इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बाकी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। तो ये एक्सरसाइज है 3.4 क्वेश्चन नंबर इसका 1 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि लॉग ऑफ फंक्शन आ जाए या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन आ जाए तो उनका सेकंड फंक्शन कोई हो या ना हो, आपने सेकंड फंक्शन को क्या रखना है, 1। लॉग ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन रख लेंगे 1। तो अब इसको फार्मूला बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन 1 की क्या आ जाएगी, एक्स माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन आया था एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले, ये आ गया जी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस ये इंटीग्रेटेड फंक्शन था एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स। ये x x से कैंसल हो जाएगा, x log of x माइनस 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशियल यूज हो रहा है x, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस कांस्टेंट। ये देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव log of x का 1 ओवर x, x x कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन आ गई है। सो सिंपल, ये इसी टाइप के जो है ना वो क्वेश्चन हमें मजीद भी लॉग ऑफ एक्स के नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो है एक्स लॉग ऑफ एक्स। ये देखें एक्स लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये दो फंक्शन दिए गए हैं, इसमें से हमने फर्स्ट फंक्शन की पहले सिलेक्शन करनी है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सबसे पहले आपने देखना है कि लॉग ऑफ फंक्शन या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन मौजूद है, तो इसमें लॉग ऑफ फंक्शन मौजूद है, तो लॉग ऑफ फंक्शन मौजूद है तो लॉग ऑफ फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और दूसरा कोई भी फंक्शन है वो सेकेंड फंक्शन के तौर पर यूज होगा। अब फार्मूला यूज करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन करें एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन आया एक्स स्क्वायर ओवर 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स dx, ये एक x कैंसल हो गया, x स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ x माइनस 1/2, ये 2 अलग और यहां एक x कैंसल हो गया था बाकी रह गया था x dx, x स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ x ये वैसे का वैसे ही, x की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर ओवर 2 x square over 2 plus constant, तो ये simple x square over 2 common ले ले यहां से, बाकी रह जाएगा log of x minus 1/2 plus constant, तो ये भी simple था, उसमें just log of x था, इस question में log of x के साथ x था, तो जब भी अकेला लॉग फंक्शन आए या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन अकेला आए तो उसका सेकंड फंक्शन आपने ऑलरेडी 1 रख लिया।
उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट में सिर्फ एक्स क्लियर हो गया है, यहां पर वन है थर्ड पार्ट तो स्क्वायर हो जाएगा। तो तभी आपने दोनों फंक्शन में से सबसे पहली प्रेफरेंस क्या देखनी है कि कोई लॉग ऑफ फंक्शन है या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है। तो लॉग ऑफ फंक्शन है तो हमने इसलिए लॉग ऑफ फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन ले लिया। सेकंड है एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला यूज करें फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन करें सेकंड की, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर की, एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन आया एक्स क्यूब ओवर 3 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें, ये आ गया एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस ये 1 ओवर 3 बाहर एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स dx, ये एक x से कैंसल हो गया, x क्यूब ओवर 3 log of x माइनस 1 ओवर 3, यहां क्या रह गया x स्क्वायर dx, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x क्यूब ओवर 3 log of x माइनस 1 ओवर 3 x क्यूब ओवर 3 प्लस कांस्टेंट। उसी तरह उसमें x स्क्वायर ओवर 2 कॉमन आ रहा था, यहां x स्क्वायर ओवर x क्यूब ओवर 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा log of x माइनस 1 ओवर 3 प्लस कांस्टेंट। तो सो सिंपल, पहला हमने किया log of x पे, log of x के साथ x था, अब log of x के साथ x स्क्वायर है। इन क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, सारे एक जैसे हैं, फार्मूला आपके सामने है, आपने जस्ट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की पहचान करनी है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है या सेकंड फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा फंक्शन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन है, कोई भी लॉग फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन है, दोनों इकट्ठे आ नहीं सकते, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर मौजूद है क्वेश्चन में तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, अदरवाइज इन दोनों में से कोई मौजूद ना हो तो फिर मैंने आपको बताया कि पावर रूल के जरिए आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7 tan inverse x, पार्ट नंबर 7 tan inverse x। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी लॉग ऑफ फंक्शन या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन अगर दिया गया हो उसके साथ कोई भी, ये लाजमी बात है कि फर्स्ट फंक्शन होते हैं, इसलिए इनके साथ कोई अगर ना दिया गया हो फंक्शन तो आपने सेकंड फंक्शन को वन तसव्वुर कर लेना। तो यहां पर फार्मूला आप यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स माइनस इंटीग्रेटेड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव लें टेन इनवर्स एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन था। तो ये आ गया एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये देखें कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, नीचे है एक्स स्क्वायर ऊपर और 2x उसका डेरिवेटिव, तो 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स हमारे पास मौजूद है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें अब नीचे 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर फंक्शन और नॉमिनेटर उसका डेरिवेटिव हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन ओवर टू। अब ये देखें नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे 3.4 एक्सरसाइज के बुनियादी क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।